मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रविवार दोपहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक एक्सयूवी कार पुल से टकरा गई और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पीएम के लिए भेजा गया। वहीं गंभीर घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर हुआ है। यहां आस्टा के पागरिया होट के पास एक्सक्यूवी कार पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी में सवार 6 लोगों में से 5 की मौके पर मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज हुई कि गाड़ी खिलौने की तरह बिखर गई और कई हिस्से सड़क पर दूर दूर जाकर गिरे। यह हादसा आस्टा के 4 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। सभी मृतक एक ही परिवार के होकर आनंद नगर भोपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची। शवों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और पीएम के लिए भेजा गया। वहीं घायल को भी गंभीर अस्पताल में एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल रवाना किया गया। हादसा कैसे हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली थी हमें कि वगैरह राम पुलिया के पास एक कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5-6 लोग घायल हो गए हैं। आके देखा हमने, घायलों को रेफर कर दिया आस्टा हॉस्पिटल। इसमें से डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक पेशेंट को सीहोर रेफर किया है, बाकी कहाँ है और आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। गाड़ी में से एक पर्चा निकला है क्लिनिक का, उससे हम डॉक्टर साहब से बात करिए तो वो बता रहे हैं फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। एक्सीडेंट क्या पुलिया में टकरा की हुई है गाड़ी का? अब घटनास्थल पे ऐसे चश्मदीद मिले नहीं है, इससे जानकारी सही हमें मिली नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।